वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है क्रेजी फोर मूवीज में। और आज हम रिव्यू करने वाले हैं साल 2019 में आई तेलुगु गैंगस्टर ड्रामा फिल्म यानी कि रणरंगम का, स्टारिंग सर्वानंद, काजल अग्रवाल और कल्याणी प्रियदर्शी, जहां पर फिल्म को डायरेक्ट किया है सुधीर वर्मा ने। और फिल्म के हिंदी डब वर्जन का वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर होने वाला है आज शाम को 7 बजे ढिंचैक चैनल पर। फिल्म को डब करवा है गोल्डमैन टेल फिल्म्स ने, जहां पर फिल्म के हिंदी डब वर्जन का नाम रखा गया है डॉन रिटर्न्स। तो डॉन रिटर्न्स नाम से ये जो फिल्म है आपको ढिंचैक पर आज शाम को देखने को मिल जाएगी। फिल्म का कोई भी YouTube प्रीमियर आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो बात करें फिल्म के बारे में, उससे पहले एक चीज कहना चाहूंगा कि वैसे जो फिल्में हैं हिंदी में इतनी जल्दी डब होती नहीं है, पर इस महीने यानी कि अप्रैल के महीने में बहुत सारी फिल्में डब होकर आ रही हैं। पर कहना चाहूंगा क्वांटिटी इतनी ज्यादा है पर क्वालिटी जो है ना वो बहुत ही कम फिल्मों में आपको देखने को मिलेगी। वो क्वालिटी जो आप एक साउथ इंडियन फिल्म से एक्सपेक्ट करते हो ना, वो जो चीज है आपको बहुत ही कम फिल्मों में देखने को मिलेगी। और मैं तो कहूंगा कि अगर आपके पास टाइम है, मैंने सुबह वाले रिव्यू में भी कहा था टाइम है एक फिल्म देखने का, सुरराय पोटरू देख लो, बाकी सभी फिल्मों से दूर रहो, पर फिर भी रिव्यू देख लो, उसके बाद आपको जो डिसीजन लेना है आप ले सकते हो। तो बात करें इस फिल्म की यानी कि रणरंगम की, तो इस फिल्म को कहना चाहूंगा कि ये कोई बहुत बुरी फिल्म नहीं है, पर ये कोई बहुत अच्छी फिल्म भी नहीं बन पाई। फिल्म के पास बहुत अच्छा मौका था एक अच्छी फिल्म बनने का, पर मौके को बनाने के बावजूद भी फिल्म उसे भुना नहीं पाती है। सबसे पहले बात करना चाहूंगा फिल्म के पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में, जहां पर फिल्म का जो फर्स्ट हाफ है, मुझे फर्स्ट हाफ की जो शुरुआत होती है वो काफी अच्छी लगी। तो फिल्म की जो कहानी है उसे सेट किया गया है 90s के टाइम में, जहां पर आंध्र प्रदेश में एक समय पर जो शराब वगैरह थी वो पूरी तरह से बंद कर दी गई थी। और उसी दौरान किस तरह से सर्वानंद का जो कैरेक्टर है यहां पर अपने बिजनेस को सेट करता है, उसे आगे बढ़ाता है, उसी के साथ फिल्म की कहानी की शुरुआत होती है। तो कहना चाहूंगा फिल्म का जो फर्स्ट हाफ है वो बहुत ही अच्छा है, ऐसा नहीं है कि बहुत ही निराशाजनक है। फर्स्ट हाफ की शुरुआत काफी अच्छी होती है, बहुत ही अच्छी तरीके से बिल्डअप किया जाता है हर एक चीजों को, सर्वानंद के कैरेक्टर को, कल्याणी प्रियदर्शी और उनके बीच की केमिस्ट्री को, चीजें देखने में एंटरटेनिंग लगती है। एक गैंगस्टर ड्रामा के तौर पर, एक कमर्शियल फिल्म के तौर पर भी देखने में मजा आता है। पर उसके बाद जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती जाती है, उसमें फिल्म में एक ऐसा एलिमेंट डाला गया है जिसके वजह से जो इंगेजमेंट है वो पूरी तरह से खराब हो जाता है। और उसका जो सबसे बड़ा कारण मुझे नजर आया वो था इसका नॉन लीनियर स्क्रीन प्ले, क्योंकि फिल्म जो है कभी पास्ट में कभी प्रेजेंट में चलती है। इससे पहले भी काफी फिल्में ऐसी देखी हुई है पास्ट प्रेजेंट वाली, और वो जो पास्ट में कब लेना है कब प्रेजेंट में लेना है वो इतनी जल्दी होता है कि किसी भी पोर्शन में आप कनेक्ट नहीं हो पाओगे। 5 मिनट में आपको प्रेजेंट दिखाएंगे, 5 मिनट बाद आपको पास्ट दिखाएंगे, तो कहीं पर भी आप कनेक्ट नहीं हो पाओगे, ना ही कैरेक्टर्स के साथ ना ही कहानी के साथ। और फिल्म जो सस्पेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रही है, कहीं पर भी कनेक्टिविटी जो है वो बन नहीं पाती है। और उसके बाद जो फिल्म का जो स्क्रीन प्ले है नॉन लीनियर है, साथ ही साथ स्लो भी है, जो इस फिल्म को बहुत ही बोरिंग बनाता है। फिल्म का एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर फिल्म जो है आपको बोर करने लगेगी, पर चलता है, कभी कभी स्लो पेस नरेशन चलता है, पर फिल्म जो है जब खत्म होती है ना, तब अगर सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा तो सब कुछ बेकार हो जाता है, जो कि इस फिल्म में देखने को मिलता है। फिल्म का एक सबसे पॉजिटिव पॉइंट अगर मैं कहना चाहूं वो है सर्वानंद का कैरेक्टर। काफी लंबे समय बाद उन्होंने एक गैंगस्टर के रोल को प्ले करने की कोशिश की है और काम को बहुत ही अच्छी तरीके से निभाया है। दोनों ही पोर्शंस में, पास्ट और प्रेजेंट में, उनका काम मुझे काफी अच्छा लगा। इसके अलावा फिल्म का जो एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है वो है इसकी सिनेमेटोग्राफी। ये जो पूरी फिल्म है ना, फिल्म इतनी कमजोर है उसके मुकाबले में इसकी जो सिनेमेटोग्राफी है ना टॉप लेवल की है। सिनेमेटोग्राफी फिल्म की बहुत ही हटके बहुत ही बढ़िया है। फिल्म में हर एक सीन को बहुत ही कमाल तरीके से शूट किया गया है। बात करें एक्शन सीक्वेंसेस की, बात करें कोई भी ड्रामेटिक सीन की, हर एक सीन को सिनेमेटोग्राफर ने बहुत ही अच्छी तरीके से कैप्चर किया है, जिसके लिए उनकी तारीफ करनी पड़ेगी। इसके अलावा फिल्म का फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ चलने के बाद फिल्म का जो आखिरी 10 मिनट है वो मुझे काफी अच्छा लगा। आखिरी 10 मिनट में आपको थोड़ा बहुत एक रिवेंज टाइप का पोर्शन देखने को मिलता है, जहां पर सर्वानंद गोली गाली मारते रहते हैं, तो वो पोर्शन थोड़ा सा एंटरटेनिंग है। बैकग्राउंड म्यूजिक काफी अच्छा है तो वो देखने में काफी मजा आता है। तो वो जो आखिरी 10-15 मिनट है वो काफी अच्छे हैं, अदरवाइज फिल्म जो है उतना आपको सेटिस्फाई नहीं कर पाएगी। इसके अलावा काजल अग्रवाल फिल्म में, अगर आप में से कोई भी इस फिल्म को देखता है ना, मुझे बस बता देना काजल अग्रवाल का इस फिल्म में क्या काम था, क्यों काजल अग्रवाल के कैरेक्टर को यहां पर फिल्म में रखा गया था खाली स्टारकास्ट के लिए। अगर स्टारकास्ट के लिए तो कुछ तो काम होगा, पूरी फिल्म में
कुछ भी काम नहीं है, आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि उन्होंने कुछ भी काम किया है। तो अगर मैं कहना चाहूंगा कि अगर किसी भी एक्टर या एक्ट्रेसेस ने रिसेंट टाइम में अपने स्टारडम के हिसाब से बहुत ही मतलब लो लेवल के रोल्स को साइन किया है ना, तो उनमें काजल अग्रवाल का नाम कहीं ना कहीं आएगा। उनकी रिसेंटली जितनी भी फिल्में आई है ना, कहीं पर भी उनका जो काम है ना अप टू द मार्क या फिर उनके लेवल का है ही नहीं। तो फिल्म देखते वक्त तो यही मैं सोच रहा था कि काजल अग्रवाल का कैरेक्टर यहाँ पर है क्यों। बाकी कल्याणी प्रियदर्शी का काम भी यहाँ पर बहुत ही अच्छा है। इसके अलावा फिल्म एक और जगह पर काफी निराश करेगी, वो है यहाँ पर विलन। एक गैंगस्टर ड्रामा फिल्म में जब आप एक गैंगस्टर को बिल्ड कर रहे हो, उसके कैरेक्टर को बना रहे हो, तो उसके मुकाबले में आपको एक नेगेटिव कैरेक्टर बनाना पड़ता है जिसको देखकर लगे कि हाँ ये गैंगस्टर को या फिर हमारे हीरो को टक्कर दे सकता है। आप पॉलिटिशियन बना रहे हो, पॉलिटिशियन को ऐसी पावर दो या फिर उस तरह से लिखो। पुलिस ऑफिसर ले रहे हो तो उसे भी उसी तरह से लिखो, पर यहां पर ऐसा कोई भी मजबूत नेगेटिव या फिर विलन का जो कैरेक्टर है वो भी देखने को नहीं मिलता है। तो ओवरऑल कहूं तो रणरंगम एक वन टाइम वॉच फिल्म है सर्वानंद के लिए और फिल्म के आखिरी कुछ मिनट्स के लिए, फिल्म की अच्छी सिनेमेटोग्राफी के। बाकी ये एक एवरेज फिल्म है जो ना ही आपको बहुत ज्यादा एंटरटेन कर पाएगी और ना ही आपको वो थ्रिल या फिर वो ड्रामा प्रोड्यूस कर पाएगी जो आप एक गैंगस्टर ड्रामा से एक्सपेक्ट करते हो। तो ये था मेरा ओपिनियन इस फिल्म को लेकर। अगर आप में से किसी ने इस फिल्म को देख लिया है तो आपको फिल्म कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों यहीं तक था आज का वीडियो, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।